नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड स्टार्स के सितारे लगता है गर्दिश में चल रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जिसके बाद आमिर खान खुद भी सदमे में। इसी बीच आमिर खान को एक और बड़ा झटका लगा। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी अगली फिल्म मोगुल पर भी एक बार फिर ताला लग गया। रिपोर्ट्स की माने तो लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होते ही फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा फैसला आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने की वजह से लिया गया, जिसके बाद शायद ही अब आमिर खान कैसेट किंग गुलशन कुमार की ये बायोपिक कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुलशन कुमार की इस बायोपिक को लेकर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और डायरेक्टर सुभाष कपूर के बीच मतभेद चल रहे, जिसके बाद सुभाष कपूर ने आमिर खान की फिल्म मोगुल को फिलहाल रोक दिया। वो अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को शुरू करेंगे, जिसके लिए वो फिल्म के प्री प्रोडक्शन में जुट चुके हैं, जिसकी वजह से आमिर खान की मोगुल को फिलहाल बंद कर दिया गया। बता दें कि आमिर खान से पहले इस फिल्म का ऑफर अक्षय कुमार को गया था। उस वक्त मेकर्स और अक्षय कुमार के बीच क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से एक्टर ने ये फिल्म छोड़ दी थी। बाद में इस फिल्म का ऑफर आमिर खान के पास गया था, जिसे एक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उस वक्त आमिर खान ने पहले लाल सिंह चड्ढा पूरा करने की बात कही और इसकी रिलीज के बाद ही अगली फिल्म मोगुल को शुरू करने के लिए कहा था। अब लाल सिंह चड्ढा की बुरे हाल का असर मोगुल पर पड़ता दिख रहा। बता दें कि आमिर की लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से आमिर के साथ साथ बॉलीवुड को भी काफी उम्मीदें थी। इस फिल्म से आमिर के साथ साथ बॉलीवुड को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। 180 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 60 करोड़ भी बॉक्स ऑफिस से नहीं कमा पाई। बताया जा रहा है कि आमिर की इस फिल्म को काफी नुकसान भी हुआ। एक तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, दूसरा नेटफ्लिक्स ने आमिर के साथ लाल सिंह चड्ढा की डील तोड़ दी। फिल्म का इतना बुरा हाल हुआ है कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इसे नहीं खरीद रहा। ऐसे में आमिर की ब्रांड वैल्यू भी खतरे में पड़ती जा रही। यही वजह है कि उनकी फिल्म मोगुल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी। लोगों ने इसकी रिलीज से पहले ही ट्विटर पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड करवा दिया था। साथ ही लोग रिलीज के बाद सड़क पर आकर फिल्म का विरोध करने लगे। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और अब लाल सिंह चड्ढा के साथ मोगुल बंद करनी पड़ गई। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते से बाहर आता है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।